हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज केक बनाने जा रही हूँ, जो रेसिपी मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था बनाने। तो चलिए आज केक बनाते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल किया है, जो चॉकलेट फ्लेवर में है। और यहाँ पर मैं ये सारे बिस्किट को निकाल लूँगी। और यहाँ पर 6 पैकेट बिस्किट का इस्तेमाल किया है मैंने, जो 5 का 1 आता है। इसमें से मैं इसका क्रीम निकाल लूँगी और इस क्रीम को मैं केक के डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। अब मैं सारे बिस्किट को इसी तरह से तोड़ करके ग्राइंडर में पीस लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाऊँगी और इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार करूँगी। अब 1/2 चम्मच घी भी इसमें मिला रही हूँ मैं, और इसको और अच्छे से मिलाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं कुकर में केक बना रही हूँ, तो कुकर भी मैं गैस पे रख दी हूँ हीट होने के लिए, और उसमें नमक और एक स्टैंड डाल दी हूँ। और यहाँ पर एक बर्तन में मैं घी लगा रही हूँ, जिसमें मुझे केक बनाना है। अब मैं लास्ट में 1 चम्मच इनो डाल रही हूँ, और इनो डाल करके थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे ऊपर से, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब मेरा बैटर तैयार है केक बनने के लिए। अब मैं उसी कटोरे में ये डाल दूंगी, जिसमें मुझे केक बनाना है। दूसरी तरफ मेरा कुकर बिल्कुल हीट हो गया है। अब इस बर्तन को हम इसमें डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और हम सीटी निकाल लेंगे। कुकर का ढक्कन से सीटी निकाल लेंगे और 30 से 35-40 मिनट तक हम इसको इसमें रखेंगे, और हम खोल करके देख लेंगे कि ये पका है कि नहीं। इसके लिए हम एक नाइफ़ की सहायता से इसके अंदर डालेंगे। अगर नाइफ़ में लगा है तो यानी कि नहीं पका है, तो हम थोड़ा देर और इसको पकाएंगे। अगर नाइफ़ में अगर ये केक नहीं लगता है, तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट केक है। देखिए, मेरा नहीं लगा, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, बन के रेडी हो गया मेरा केक। अब इस बर्तन को कुकर से निकाल करके थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो मैं एक प्लेट में इसे पलट के निकाल रही हूँ। इस तरह से हम धीरे धीरे करके इस बर्तन को हटाएंगे और मेरा केक बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए, बिल्कुल अच्छा परफेक्ट केक बना है, और हम इसको पलट लेंगे। और हम अब इस केक में अपना मन चाहा डेकोरेशन कर सकते हैं। अब मेरा केक बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे एक बर्तन में मैं 1 पैकेट ओरियो बिस्किट, थोड़ा सा दूध और 1 पैकेट डेयरी मिल्क ले रही हूँ, और इसे गैस पे चढ़ा करके थोड़ा एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ। अब इस पेस्ट को मैंने इस केक पर डाल करके इसको अच्छे से चारों तरफ इसको अच्छे से लगा देना है। ऐसे करने से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा और इसका लुक भी अच्छा आएगा। डेकोरेट होने के बाद इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने बिस्किट के क्रीम से एक फ्लावर बनाया है छोटा सा, और कागजी बादाम और पिस्ता को घस करके डेकोरेट किया है, और बन गया मेरा केक। थैंक यू सो मच।